चला एक तो जोरदार जयकारा होईल। बोल सियापती रामचंद्र की, सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, हो माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय। अच्छा, अतिशय पवित्र सोहळ्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय श्यामजी पत्थरकिने, रमेशजी मंत्री, आशीषजी देशमुख, सुरेंद्रजी पांडे, सुधाकरराव देशमुख, चैनजी जोगळेकर, रवीजी वाघमारे, राजूजी काळेले, जयप्रकाशजी गुप्ता, रमेशजी गिरडे, संजयजी बंगाले, या ठिकाणी उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, अश्विनीता जिचकार, परिणीता फुके अशा आमच्या सगळ्या भगिनी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस हा अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा दिवस आहे। 500 वर्ष तमाम भारतीयांनी, तमाम हिंदू समाजांनी जो संघर्ष केला, ज्या दिवसाची वाट पाहिली, ज्याच्या करता लाखो लोक बलिदान झाले, त्याच्या करता असा संघर्ष पेटला की जो खऱ्या अर्थाने भारतीय अस्मितेचा संघर्ष होता, ते राम मंदिर आज त्याचा निर्माण होऊन त्या राम मंदिरामध्ये रामललांच्या मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते होते आहे। बंधू भगिनींनो, 500 वर्षातला सगळ्यात ऐतिहासिक दिवस आहे। 1528 साली बाबराचा सेनापती मीर बाकी यांनी राम मंदिर तोडलं, मूर्तीचं भंजन केलं, त्याच्या पाठीमागे त्यांची संकल्पना होती। त्याला हे माहिती होतं की जोपर्यंत भारतीयांच्या मनातून आम्ही राम आणि श्रीकृष्ण काढणार नाही, तोपर्यंत भारतीयांना गुलाम करता येणार नाही, आणि म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी रामाचं मंदिर पाडून बाबरी ढाचा बांधला। हा कलंकाचा ढाचा होता, ही मशीद नव्हती, तर भारतीयांच्या छातीवर, हिंदूंच्या छातीवर उभा केलेला एक कलंकाचा ढाचा होता, जो हे सांगत होता तुम्ही आमचे गुलाम आहे, तुमचे रामही तुम्हाला वाचवू शकत नाही, हे सांगणारा कलंकाचा ढाचा होता। आणि मग साधू संतांनी लढाई केली, अनेक वीरांनी लढाई केली, 18 लढाया झाल्या, अनेकांचे त्या ठिकाणी जीव गेले, अनेक लोक शहीद झाले, पण संघर्ष सुरूच होता। आणि स्वातंत्र्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने हा संकल्प केला की आता कलंकाचा ढाचा जर आपणच खाली आणला नाही, तर स्वातंत्र्याचं नेमकं मोल काय आहे। राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळालं, पण सांस्कृतिक स्वातंत्र्य देखील तेवढंच महत्वाचं आहे। राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं, पण आध्यात्मिक स्वातंत्र्य तेवढंच महत्वाचं आहे। कारण ज्या देशाला आपली संस्कृती आणि इतिहास माहिती नसतो, त्या देशाला वर्तमान तर असतं, पण त्या देशाला भविष्य नसतं। आणि म्हणून त्या ठिकाणी राम जन्मभूमीचं आंदोलन सुरू झालं। अशोकजी सिंघलांच्या नेतृत्वामध्ये तमाम देशातले साधू संत एकत्रित आले, त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं रामललाचं पूजन सुरू झालं, शिलान्यास झाला, रामशिला पूजन झालं, आणि पहिली कार सेवा 1990 ची
ज्यावेळी मुलायम सिंगांनी सांगितलं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, कोई भी यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, कार सेवकों को रोक सके ये किसमें दम है? कार सेवक पहुंच रहे, कार सेवकांना कोणी थांबवू शकला नाही, कार सेवकांचा नारा होता लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अरे लाठी गोली खा, कार सेवक तिथे पोचले, ज्या ठिकाणी परिंदा भी पर नाही मार सकता सांगितलं होतं, आमचे कोठारी बंधू त्या ठिकाणी वरती गुंबदावर चढले, त्यांच्यावर गोळ्या मारत पारल्या गेल्या, अरे छातीमध्ये गोळी जात होती पण हातातला फगवा खाली आला नाही, छातीवर गोळ्या झेलल्या पण त्या ठिकाणी जय श्रीराम म्हणत तो फगवा त्या ठाच्यावर त्या ठिकाणी प्रस्थापित करण्याचं काम आमच्या कोठारी बंधूंनी केलं, आमच्या लाखो कार सेवकांनी केलं। मला अतिशय आनंद आहे, आम्हाला देखील सगळ्यांना या कार सेवेमध्ये या राम सेवेमध्ये सम्मिलित होता आलं, या कार सेवेकरता कारावास भोगावा लागला, पण मला असं वाटतं की आज आम्ही धन्य आहोत की या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं त्यावेळेस जो संघर्ष केला तो आज राम मंदिर पाहत असताना स्वप्नपूर्तीचा अनुभव या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो। आणि 1992 साली 6 डिसेंबरला त्यावेळी परिस्थिती अशी होती, समोर मोठा मंच होता, हजारो कार सेवक समोर होते, मंचावरती सगळे नेते होते, त्या ठिकाणी अशोकजी सिंगल होते, त्या ठिकाणी आपले महंत वैद्यनाथ होते, अडवाणीजी होते, मुरली मनोहर जोशीजी होते, त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमच्या साथी ऋतंबरा दीदी मा होत्या, उमा भारतीजी होत्या, सगळे लोक त्या ठिकाणी सूचना देत होते कार सेवा करायची आहे, कार सेवा करायची आहे। पण रामसेवकांनी आणि कार सेवकांनी काय कार सेवा करायची मनातन ठरवलं होतं, आणि 15 मिनिटाला सगळे कार सेवक त्या कलंकाच्या ढाच्यावर चढले आणि तो ढाचा पाडणं सुरू केलं, 2 ढाचे पडले, तिसरा ढाचा पडत नव्हता, त्याला बराच काळ लागला, 4:30 झाले होते, 5 वाजत होते, अंधाराकडे आपण सगळे चाललो होतो, आणि अशा परिस्थितीमध्ये सगळे लोक अस्वस्थ असताना तो तिसरा गुंबद देखील खाली आला आणि त्या ठिकाणी कलंकाचा ढाचा खाली आला। कार सेवक थांबले नाहीत, कार सेवकांनी त्या ठिकाणी लगेच काम सुरू केलं, पायऱ्या बनवणं सुरू केलं, त्या ठिकाणी एक भिंत तयार केली, एक चौथरा तयार केला, त्याच्यावर टेंट मांडला, 3 लावले आणि लगेच रामललाची मूर्ती त्या ठिकाणी स्थापित केली, आणि आपला पहिला नारा जो होता रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे हा नारा पूर्ण झाला। 6 डिसेंबर 1992 मंदिर वही बन गया, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हमने संकल्प किया रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। केवल मंदिर बनने के बाद हमें समाधान नहीं था, हम भव्य मंदिर बनाना चाहते थे, और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लाखों संतों की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हुई, 2.5 साल पहले राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, आज राम मंदिर में राम जी के रामलला के मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है, और आज जब पूरा देश आनंद की लहरों में है, कुछ लोग आज भी कहते हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, प्रभु श्री राम ये काल्पनिक है, ऐसे कोई राम पैदा ही नहीं हुए, राम के पैदा होने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, ऐसा कहने वाली सरकारें हमने देखी, जिस सरकार ने 2011 में हलफनामा दिया कि यहाँ पर जो राम का सेतु है ये सेतु तो नकली है, ये कोई राम का सेतु नहीं है, ये तो किताबों में लिखा हुआ सेतु है, इसको तोड़कर
अगर नाव जाने के लिए रास्ता बना दिया जाए तो उससे व्यापार बढ़ेगा, ऐसे कहने वाली सरकारें भी हमने देखी है। लेकिन 2014 में इस देश की बागडोर एक राम भक्त के हाथ में आई, एक राम भक्त, एक हनुमान भक्त जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, एक शेर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो डंके की चोट पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकार ने हलफनामा दिया। हाँ, यही राम मंदिर है, यही जगह राम मंदिर की है, यही मंदिर हुआ करता था, इसी मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह हम मंदिर बनाना चाहते हैं। और हमारी समिति ने सारे के सारे मंदिरों के अवशेष जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो फैसला तो आना स्वाभाविक था, जहां राम जी थे वही न्याय था, राम यानी न्याय, न्याय हुआ और राम जी का मंदिर बना। राम जी का मंदिर धूमधाम से हमने बनाया है और अब कुछ ही क्षणों में वो उस पल आएगा जब हम लोग रामलला का दर्शन लेंगे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं, आज हमारे लिए हमारा राम मंदिर अयोध्या है, लेकिन जल्दी ही सभी को अयोध्या जाना है। अरे भाई, इस जन्म में अगर रामलला का दर्शन नहीं लिया तो ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे, इसलिए सभी को अयोध्या जाना है। ट्रेनें जाने वाली है, जिसको जाना है वो बोल दे, अयोध्या में रामलला का दर्शन लेने के लिए हम सब लोग मिलकर जाएंगे और फिर एक बार रामलला का आशीर्वाद हम सब लोग मिलकर पाएंगे। ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये भारत की नई अस्मिता की शुरुआत है, भारत के नए पहचान की शुरुआत है। अब भारत गुलामी में नहीं रहेगा, भारत में गुलामी के अवशेषों को ढेर कर देंगे और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, उस संस्कृति और उस संस्कारों के जो हमारे मानक है उनको प्रस्तापित किया जाएगा, ये नए भारत ने बताया है। अब तो राम राज आएगा, राम राज यानी एक ऐसा राज जिस राज में समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार होगा जितना अधिकार पहले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को है। राम राज में शबरी को भी उतना ही अधिकार होगा जितना सीता माता को है। राम राज में निषाद राज को भी उतना ही अधिकार होगा जितना किसी और राजा को है। ऐसा राम राज फिर एक बार इस भारत में प्रस्तापित करने के लिए अब आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिवस है। आज रामलला की मूर्ति स्थापित होगी तो हम सब लोग राम राज्य की ओर जाएंगे, इसलिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, हमको ये देखने को मिल रहा है, याची देही याची डोला हे पाहण्याची संधी आपल्याला मिळाली, याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो, सर्व संतगणांना या ठिकाणी मी नमन करतो। सभी के आग्रह पर राम जन्मभूमि आंदोलन का वो गीत, जो गीत उस समय क्रांति का गीत बना था, उस गीत को हमको गाना है। आप सब लोग गाएंगे मेरे साथ, मेरा आवाज भी बैठा है और मैं बेसुरा भी हूं, लेकिन आपको सुर में गाना है, गाएंगे सब लोग, पीछे वाले भी गाएंगे, तो चलो। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, 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 भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, चमक उठी।
उठी तलवार, जागो जागो तो, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, हे जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, 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 खूब लड़ी पर हार न मानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, हे मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, 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 देश पे अपने लाल थे वारे, 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 लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, जागे थे कोठारी भाई, मंदिर पे ध्वजा लहराए, मंदिर पे ध्वजा लहराए, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, हिंदू जगा भी, मंदिर बना भी, और प्रधानमंत्री जी अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम।